सरकार जहाँ भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कर रही है, वहीं सरकार के मुलाजिम ही भूमाफियाओं से जमीनें कब्जा करवाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला यूपी के शाहजहांपुर से संज्ञान में आया है। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में 6 एकड़ फसल को जोत दिया गया, तो वहीं किसान कर्नल सिंह का कहना है कि उसके पास कोर्ट का स्टे होने के बाद उसकी जमीन को जबरदस्ती जोत दिया गया। महिलाओं ने ट्रैक्टर के आगे जान देने की कोशिश की, वहीं एक औरत ने नशीला पदार्थ खा लिया, जिसे परिजन बंडा इलाज के लिए ले गए, जहां किसान तेजा का कहना है कि उसकी खड़ी फसल को जोत दिया गया। बता दें कि इस भूमि को सरकार ने नीलाम किया था, जिसके चलते दूसरे पक्ष ने ट्रैक्टरों से 6 एकड़ जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। मामला शाहजहांपुर के गाँव बिराहमपुर का है। यहाँ पर सुबह से ही नायब तहसीलदार मैपुर से पहुँचे, लेकिन जमीन पर फसल होने से दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक शुरू हो गई। सुरक्षा के मद्देनजर सीओ पुवाया व एसडीएम पुवाया भी पहुंच गए और ट्रैक्टरों को खेतों में घुसा दिया और जमीन को खोता देख किसान की घरवाली ने कुछ नशीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसे सीएससी में भर्ती कराया गया है। पर सवाल यह है कि क्या खड़ी फसलों को जोतने का आदेश विभाग दे सकता है? पक्की ही फसल साड़ी जोतिया, इन्हें लोग गुंडे लुचे जिन्ने सब इन्हें इकट्ठे हो गया, तो साड़ी कोई पेश नहीं जान देते। पक्की ही फसल किसी के दामवा बेच जान दे, किन्नी असी खाद डारी, किन्ना असी पानी लगाया, कि लागत लगाई। इसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है इस रोड का, इस जमीन का? सटे है हमारे पास। कहाँ का सटे है? सुजानपुर जिला जज का। कोई मान्या नहीं, किसी अधिकारी ने कोई ना एसडीएम ने सुनी, ना डीएम ने सुनी, ना एसओ ने सुनी, ना दरोगा ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी। जनपद शाहजहांपुर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।